नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिम जी के भंडारा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए जीके का एक प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। तो आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आपके जो भी मार्क्स बनेंगे आपने एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। जिसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 108 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। और बात करें थर्ड क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की है, मतलब जो उनकी नियुक्ति होती है वो कितने वर्षों के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 9। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने टाइम के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का नाम है हिम जी के भंडारा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ्स, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। तो ऑप्शन देख लें, मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल, ठीक है। भारत में रिमोट सेटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंगन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एट क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 7 टापुओं का जो शहर है वो कहा जाता है मुंबई को। एंड 9th क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। तो ग्रीनलैंड आपको पता होगा सबसे बड़ा टापू, सॉरी आइलैंड। तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, और ये है डेनमार्क के अधीन है, ऑप्शन नंबर सी। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है, ठीक है, मतलब टेलर घाटी किस कंट्री में जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। एंड 11th क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ ऑप्शन नंबर डी, पौंडुचेरी। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। तो आप ऑप्शन देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4th। और सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, ठीक है। तो एसी ड्रेन सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में एसी ड्रेन सबसे ज़्यादा होती है। एट 14th क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार है, किसे है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यूरिया का रासायनिक नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाला है। तो आई होप आपने अपना आंसर अब तक लगा लिया होगा। तो यूरिया का रासायनिक नाम है दोस्तों कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड। और 16th क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में जो है वो स्थित है। तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका जो इसका जो प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। और 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, बौद्ध धर्म कब बट गया। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म कब बट गया। तो इसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ठीक है। तो ये अंतिम जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें इसका जो है वो डिवीजन हो गया, तो वो थी 4th बौद्ध संगति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।